और इसका इतना अजर और सवाब है कि अगर आप वक्त देखें तो 1.5 मिनट है सिर्फ, लेकिन अगर आप अजर देखें तो बेहद्दो हिसाब। इसलिए पाबंदी के साथ कोशिश करें इसको पढ़ने की, और घड़ी देख लें आपका कोई बड़ा वक्त नहीं लगेगा। इंसान ये सिर्फ शैतान का बुलावा होता है कि इंसान ये नेकी ना करे और इतना बड़ा अजर ना कमाए, शैतान का बुलावा होता है। लिहाजा वो कहते हैं वो देखो वो काम, वो देखो वो काम, वो भी है वो भी है, वो छोड़ो फिर कर लेना, चलते फिरते कर लो, उठो उठो यहाँ से। जिस तरह कुरान में आता है फसब्बह इदबार सुजूद, सजदों के बाद भी रब की तस्बीह करो। लिहाजा क्या पढ़ते हैं, 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, क्योंकि नमाज के बाद अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, दुआ मांगने का वक्त होता है। कुछ और जो हम अरबी में नमाज के अंदर नहीं मांग सके अब बाहर मांग रहे हैं, लेकिन शैतान कहता है किसी तरह ना ही मांगे तो अच्छा, महरूम ही उठ जाए। इसलिए आप देखेंगे कि वो वक्त बड़ा तल्ख और सख्त होता है और अक्सर लोग बरगला लिए जाते हैं। 1.5 मिनट के अंदर आप इतना बड़ा अजर कमाते हैं, गोया आपने ढेरों माल सदका कर दिया जो वैसे मुमकिन नहीं। इतना अजर है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, पूछने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कुछ दोस्त हैं जो बड़े अमीर हैं, वो सदका करते हैं सवाब पा लेते हैं, हमारे पास हम गरीब लोग हैं, हमें भी कुछ बताएं कि हम उनका सवाब पालें। तो आपने फरमाया कि तुम हर नमाज के बाद 33 दफा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ो तो तुम क्या करोगे, उनके बराबर हो जाओगे। बड़े बड़े सदका जिहाद और क्या कुछ करने वालों उनको भी पता चल गया, फिर वो आगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी ये करने लगे, फिर वो आगे निकल गए। तो आपने फरमाया अल्लाह का फजल है जैसे चाहे दे। फिर होता है अब नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी वो बुला के ऑर्डर कर दे सबको जो जो कुछ कहना है, फिर बोलना शुरू कर देते। लिहाजा थोड़ा सा और सब्र, वहां तो फर्ज था चुप रहना, अब क्या है नफल है चुप रहना। और आयतुल कुर्सी जो हर फर्ज नमाज के बाद है, आपने फरमाया जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे बहिश्त में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोकती, गया जन्नत का दरवाजा खुल गया उसके लिए। इसीलिए फर्ज नमाज के बाद जो आयतुल कुर्सी है उसका भी बड़ा अजर है कि जो पढ़ेगा वो उसके बाद फौत हो जाए सीधा जन्नत में। लेकिन आपने फरमाया ये सिर्फ अंबिया सिद्दीक और शहीदों को ये सिफत मिलती है, हर कोई नहीं इसकी पाबंदी कर सकता। क्यों? क्योंकि हर बात जो नमाज में याद आनी होती हम कहते हैं ये कौन सी मजबूरी है पाबंदी, आप तो बोल लो खैर है, वो पूरी कैफियत नहीं तारी होगी। इसलिए थोड़ा सा सब्र और, लेकिन ये आपका बाय चॉइस है, अब आपकी मर्जी है आप सब्र करें या ना करें। लेकिन जो कर जाए वो अब वो वक्त है फल तोड़ने का, अब वो वक्त है नतीजा लेने का, दुआ मांगने का। इस वक्त में अगर आप गए गए, छुट गया तो रह गया, क्योंकि उस वक्त इंसान को फील होता है अच्छा मैंने इतनी अच्छी नहीं नमाज पढ़ी, को बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होती। फिर इंसान को कहा सेटिस्फाई हो जाओ, मांगो अल्लाह से अल्लाह और अच्छी इबादत की तौफीक, नमाज पढ़ चुका है फिर दुआ अल्लाह तौफीक देना, फिर भी लौट के आऊँ, ऐसा ना होगा कि नमाज में सो जाऊं या भूल जाऊं या दिल ही ना चाहे। अब देखें कि अगर हर नमाज के बाद इंसान ये दुआ मांग लेता तो एक तरफ से अपने आप को फिर बांध लेता है अगली नमाज को, वरना एक पढ़ेगा और एक छोड़ देगा, एक पढ़ेगा कजा कर जाएगा, तो इस तरह इंसान छोड़ नहीं सकता। इसलिए कितनी बाहिकमत दुआ इस मौके पे सिखाई गई, रब्बी आइन्नी अल्लाह तूने मेरी मदद करनी है, अला जिक्र करके फिर तेरा जिक्र करो, शुक्र कर तेरा शुक्र गुजार बंदा बन के रहो, वह हुस्न इबादत से भी अच्छी इबादत करो। ये जो जिक्र है ये मसनून है। कुछ सवाल है इनके मैं जल्दी से जवाब देती हूँ। नमाज खत्म करने से पहले सूरत अल बकरा की आखिरी आयात और हशर की आयात पढ़ना जायज है? जिक्र में आप जो कुछ भी पढ़े लेकिन ये मसनून नहीं है, मसनून वही है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप उर्दू पंजाबी में अपनी दुआ मांग सकते हैं जो भी आप करें। अच्छा एक बात याद रखे, सजदे में कुरान नहीं पढ़ा जाता, सजदे में कुरान नहीं पढ़ा जाता, दुरूद शरीफ खड़े होकर नहीं पढ़ा जाता, सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ा जाता, बैठ के पढ़ा जाता है नमाज में। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु।